वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोडियाल फैमिली व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत लेट आने के लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि हम जिस फ़ोन से व्लॉग बना रहे हैं वो हमारा फ़ोन ख़राब हो गया था, इस कार के हम व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। कार के नहीं, सॉरी, करके हम व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। बट मैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ आई हूँ, ये है कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। बहुत ही जल्द हमारे यहाँ नन्ना मुन्ना सा मेहमान आने वाला है, और वो सब हुआ इनकी वजह से और भाई की वजह से। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा, और हम वेट कर रहे हैं। पर हम अभी हम थोड़ा सा लेट बता रहे हैं, क्योंकि व्लॉग नहीं आ रहा था इसलिए हम थोड़ा लेट बता रहे हैं आपको। तो अभी भाभी 4 मंथ प्रेगनेंट है और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। वो सारे मोमेंट हमने थोड़े थोड़े दूसरे मोबाइल में कैप्चर किए थे, वो सब भी मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ व्लॉग में, आप सब देखना। और भाभी के लिए बहुत ढेर सारी विशेस, नए आने वाले मेहमान के लिए भी, नए साल के लिए, नए मेहमान के आने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा लग रहा है। जब काफ़ी टाइम से हमने बच्चों को नहीं खिलाया तो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो भाई के बच्चे हैं, ताऊजी, वो बड़े पापा जो हैं हमारे, उनके बच्चे हैं, वो सब दूर रहते हैं। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा वेट करें एक छोटे से बाबू का, बेटी या बेटा जो भी। तो हमें वेट कब तक करना पड़ेगा? अक्टूबर, ठीक है। अभी हम ये आइडिया लगा रहे हैं, अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा। ओके, देखो क्यों नहीं हो रहा विश्वास। सच में ना, ना, सुनो तो सुनो, एक चीज, एक बात, रिएक्शन। ओह माय गॉड, तू भी आ जा। ए दे दे चाय हो मम्मी। अरे भैया, क्या करूं? इनकी तरफ करो कैमरा, कर रही भाई, मैं तो कुछ दिख ना रहा। शर्मा आ गए का? अगर नाना मेरी तरफ, मैंने काला फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा। करे तो क्या हमारा बड़ा भाई जा चुका, चुड़ैल सी लग रही, हमारा बड़ा भाई जा चुका है ऋषिकेश। प्लीज फ्रेंड्स, और ये मेरे दाना निकल रहा है फ्रेंड्स, बताना मुझे कुछ ठीक होएगा ये। बैठे हुए इसे सपोर्ट दो आप। तीन जने बैठे हुए फ्रेंड्स, हाँ मेरे यहाँ यहाँ कैंसर की समस्या लग रही है मेरे को, यहाँ दाना निकल आया मेरे, बार बार आया जा रहा है। हमारे पास पैसे नहीं है इनका इलाज करवाने के लिए, तो प्लीज हमें पैसे, फ्रेंड्स में एक अकाउंट खोल, डोनेट करो फ्रेंड्स में एक अकाउंट। इसकी दो किडनी थी, प्लीज एक खराब हो चुकी है, बहुत पैसे आ जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत मेरा गुजारा हो जाएगा फ्रेंड्स। गुजारा करना है ना, मैं इलाज करवाना फ्रेंड्स, कैंसर की समस्या, आप नहीं चाहते कि मैं मरूँ। घुसेड़ दे मेरे मुंह में कैमरा। ये बड़ा ही बदतमीज वाला है फ्रेंड्स। सच में फ्रेंड्स, हम यहाँ बिल्कुल अपने रास्ते पे बैठे हुए, हाईवे पे, ये हमारे घर का हाईवे है, और यहाँ से ट्रक गुजरते हैं कभी कभी। यहाँ पे हम टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। बस हम थोड़ी देर में भी बैट बॉल खेलेंगे, तो आप मेरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। ये न्यूज़ चल रही है फ्रेंड्स, लगातार आप मेरी न्यूज़ सुनते रहना, मैं बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आने वाली हूँ आपके लिए। ऐसे करो ना, तो लड़कियों, जो भी लड़की मेरा ब्लॉग देखेगी, मम्मी ना लड़कियों का कहना बहुत कम सुनती है, लड़कों का ज़्यादा जल्दी सुनती है। मैंने एक डायलॉग सीख रखा है, मम्मी को कोई काम बताती हूँ ना, जैसे कि अभी मुझे चाय मंगवानी थी, तो मम्मी ने मना कर दिया कि अंदर आके ले ले, तो मैं बोला लड़कों के लिए तो बहुत जल्दी देती है। तो फ्रेंड्स, अब चाय गर्म कर रही है, आइडिया आप ये टेक्निक आजमा के देखना, आप काम करती ज़बरदस्त। अभी चाय आने वाली है, अभी मैं चाय दिखाऊंगी आपको, दिखाऊंगी पीऊंगी मैं, आप देख लेना बस। अभी दिखाते हैं आपको कि इनके लिए चाय आती है कि नहीं आती है, ऐसे गर्म कर रही हैं मम्मी, अब देखते हैं। मैं बोलूँगी फ्रेंड्स, जो
मैंने अभी आइडिया बताया था वो फ्लॉप हो गया, मेरा अभी तक चाय नहीं आई, पर अभी तक कह नहीं सकती फ्लॉप नहीं हुआ, बट अभी मैं वेट कर रही, क्या पता मम्मी चाय गर्म आने वाली होती तो आ जाती हम कितने लेके आ गए चाय। मम्मी चाय तो बोल रही आइडिया दोगे ना, मैं तो गिटार पे टोन अंकित गिटार पे हमारा एंजॉय नहीं हो रहा था ना, हमारा मन नहीं लग रहा था ना, तो मैंने अंकित को बुलाया फिर गिटार से थोड़ा अच्छा लगेगा। गिटार बजाइए सर मेरे लिए। मैं इज्जत देती हूँ सर्वेंट को। बजाइए बजाइए गिटार बजाइए। मैं चूड़ी को पैसे कहाँ के लिए दिए सूंघने के लिए मंगवाई है तुमने चाय, पीती नहीं हूँ मतलब मम्मी का, मम्मी ने मेरी बात सुन ली, अब चाय की शक्ल बहुत बुरी हो रही है। चाय पी कर देख कितनी बढ़िया बन रही है। अच्छी जब चाय बढ़िया बन रही, पर मेरे होंठ पे जो दाना निकल रहा है ना बार बार, दिखाना ना दाना दिखाओ, ये देखो तो ये देखो इनका कैंसर हो रहा है। इनके भी एक दाना निकल रहा है, होठ बिंदवा गया ना, और वो नहीं पहन लगते व्हाइट वाला, वो स्टोन दूर से फैशन है, वैसे वीडियो बना लो अपनी है ना, लगेगा। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजने वाले हैं और खाने की तैयारियां चल रही हैं। अभी मैंने आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की पकौड़ी, भाभी को भी मैंने जार में पीस के दी हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी कर दिया कभी लाइट चली जाए। हम बना रहे हैं इसकी सब्जी, किस किस कैसे कैसे पीसी यार, ये ना मतलब इसको टाइम चाहिए होता है ना, हमने लेट भिगोई थी ना ये, ध्यान रहा नहीं, बहुत मुश्किल से पीसी ज्वार में, बहुत मुश्किल से मेरे से बहुत उल्टे उल्टे वर्ड बोले जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से पीसी, हाँ बहुत मुश्किल से पीसी। अभी बनेगी, थोड़े हम ऐसे खाएंगे, फिर इनकी सब्जी बनेगी, बहुत टेस्टी लगती है इनकी सब्जी, सब्जी तो नहीं पसंद मुझे, पर ये पकौड़ी पकौड़ी खा ली बहुत पसंद है बस। तो भाभी एंडिंग कर दे इस ब्लॉग की, बिल्कुल ओके, तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, और मिलते हैं फिर एक अगले ब्लॉग में बहुत जल्द, और कोशिश यही करेंगे कोशिश यही करेंगे कि अब से मतलब ब्लॉग करने नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम बोलने, हम बोलने नहीं वाले इस बार, क्योंकि जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है तो बना नहीं पाते, तो इसलिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि हाँ, पर अब नेक्स्ट ब्लॉग जो भी आएगा इंटरेस्टिंग होगा, जरूर देखना। बन गई पकौड़ी, ट्राई करूँ, अपन थोड़ा नमक कम है बस, तो नमक कम इसलिए डाला ना, फिर सब्जी में भी डलेगा, तो तेज हो जाता है, फिर बनिए पर। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में इतना कुछ तो था नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो भी है प्लीज़ इस ब्लॉग को थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि बस हमने यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ देने के लिए बताया, यार हमारे तो बहुत बड़ी मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी हमने बताया जरूर, तो हमारे लिए जब बहुत बड़ी न्यूज़ है जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी होनी चाहिए, होनी बनती है यार। तो ढेर सारी विशेस मम्मी पापा मतलब भाभी भैया और इनके छोटे आने वाले बेबी के लिए, मिलते हैं कौन कौन में उस है न्यूज़ से जरूर कमेंट्स में बताना, जरूर फ्रेंड्स जो भी हमारा ब्लॉग देख रहा होगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश है सभी फैमिली, लेकिन आपके कमेंट से भी पता चल जाएगा कि कौन कौन खुश है। और बस फ्रेंड्स तो अभी देखते हैं आगे आगे, आप भी देखना हमारे साथ अब ब्लॉग आएंगे तो ओके बाय।